बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ किया है कि जेडीयू के मंत्रिमंडल में शामिल होने की कोई बात ही नहीं हुई थी। ऐसे में मीडिया की कयासबाजी की वजह से लालू प्रसाद को बेवजह उन पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। नीतीश ने कहा कि उनकी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई थी। ऐसे में मंत्रिमंडल में जगह मिलने और न मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वैसे मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार के बावजूद ऐसी गुंजाइश बनाए रखी है कि अगर जेडीयू या एआईएडीएमके जैसे सहयोगियों को मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़े तो उन्हें आसानी से कैबिनेट में एडजस्ट कर लिया जाए। इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास दो दो मंत्रालय हैं, यानी कि समय आने पर ये उनसे लेकर सहयोगी दलों को दिया जा सकता है। जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन के पास विज्ञान तकनीक मंत्रालय के साथ वन पर्यावरण मंत्रालय भी था, लेकिन उनके पास दोनों मंत्रालय रहने दिया गया है। माना जा रहा है कि स्मृति से कपड़ा या सूचना प्रसारण में से एक ले लिया जाता, लेकिन उनके पास अभी भी दोनों मंत्रालय रह गए हैं। उसी तरह नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन के बाद उमा भारती का जल संसाधन मंत्रालय भी आ गया है। नरेंद्र तोमर, धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल के पास एक से ज्यादा मंत्रालय हैं। ऐसे में भविष्य में अपने सहयोगियों को अगर मंत्रिमंडल में शामिल करने की नौबत आती भी है तो पीएम मोदी को ज्यादा परेशानी नहीं होगी।